देखिए, द टोटल कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस फंक्शन. फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया, 17 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब उसका हमें क्या करना होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करके किस रेट से उसमें चेंज आ रहा है वो निकाल लेना होगा. ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0.0021 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर हो जाएगा 0.006 एक्स प्लस का 15 हो जाएगा. समझ रहे ना बात को, यहाँ पे कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 17 यूनिट, तो सी डैश 17 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट होगा जो कि 0.021 इंटू में 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू में 17 और प्लस के 15 के इक्वल होगा. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आएगा. हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है आपका 2489. तो 0.021 इंटू में 289 और यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 102 तो माइनस का 0.102 और प्लस का 15. इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 289 में से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.021 को, आ जाएगा ये 6.069 और माइनस का 0.102 और फिर यहाँ प्लस का 15. आप देखिए क्या करते हैं, तो 15 में इसको ऐड कर लेते हैं, किसको 15 में ऐड कर लेते हैं, इसको 6.069 को. ठीक है, तो आ जाएगा आपका 21.069 और ये माइनस कर लेंगे इसको, कितना है जी 0.102. तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20.967, ये कॉस्ट आ जाएगा इतना रुपीज. समझ गए, मार्जिनल कॉस्ट ये आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर